जी नाज़रीन, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रेफरेंसेस किस तरह लेने चाहिए और रिलेवेंट रेफरेंसेस किसे ढूंढने चाहिए, क्योंकि बसा अवकात ये इशू आ रहा होता है कि ओरिजिनल रेफरेंसेस की बहुत कमी होती है, क्योंकि हमें मिल नहीं रही होते, और जो है जिसकी वजह से किसी और फील्ड से रिलेटेड हम रेफरेंसेस निकाल देते हैं। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी हमने लिख लिया, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। अब ये चीज़ें मैंने कहीं से भी लिखी, मसला नहीं है, लेकिन मैं जो रेफरेंस लूँगा ना वो गूगल स्कॉलर से लूँगा, और गूगल स्कॉलर से मुझे कैसे पता लगे, कैसे पता चले कि ये जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ उसकी साइटेशन डालूँगा क्या वो रिलेवेंट है, टू द पॉइंट है या नहीं है। तो इसको चेक करने के जो है तरीके हैं कि भाई, एक तो आपके टाइटल में ही वो चीज़ आ रही है, टाइटल में अगर वो चीज़ आ रही है, वो कीवर्ड आ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर भी कीवर्ड होगा, तो उसको हम रेफरेंस को ले लेते हैं। ये रेफरेंसेस फेक रेफरेंसिंग नहीं कहलाती, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे होते हैं जो रिसर्च एनालिस्ट इस बात से कि शायद वो फेक रेफरेंसिंग होती है। फेक रेफरेंसिंग ये नहीं होती, फेक रेफरेंसिंग वो होती है कि लेट से मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है हमारी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के ऊपर, और हमने उसको मार्केटिंग में ले लिया, यानी हमें मार्केटिंग में चाहिए थी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में चाहिए थी, लेकिन उसके मार्केटिंग की ले ली, और जब हम उठा रहे थे तो हमें कोई पता नहीं चला, और इसके टाइटल में कहीं वो मेंशन हो गया कि वो इधर मार्केटिंग है या सप्लाई चेन है, जो कि हमें नहीं चाहिए थी। तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट देना होता है आप अपनी सर्च इंजन को, यानी गूगल की जो सर्च बार है, ताकि उस हिसाब से हमें रेफरेंस मिले और वो एक्यूरेट हो। ठीक है, कभी कभार रेफरेंसेस मिल ही नहीं रहे होते, क्योंकि इंटरनेट पे जो गूगल पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके रेफरेंसेस कम मिलते हैं। जैसे कि अगर ये आप खोलेंगे, यहाँ पर भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी डिस्कस की है, यहाँ पर भी की हुई 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 है, लेकिन जब हम इनका रेफरेंस लेंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगी, और पूरा रेफरेंसेस बनाना होगा, ऑथर लिखें, फिर टाइटल लिखें, फिर पब्लिकेशन लिखें। तो इससे अच्छा ये है कि हम वही कीवर्ड, वही क्यूरी यहाँ पर डालें और उसी से रिलेटेड रेफरेंसेस निकाल के हम वहाँ डाल दें। तो ये एक बहुत डिलेमा है, या एक मिसपरसेप्शन है कि भाई फेक रेफरेंसिंग कैसे करें, फेक मसला हो जाएगा, इशू हो जाएगा, केस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। आपका सुपरवाइज़र, आपका ट्यूटर मैच करता है आपकी इंटेक साइटेशन को आपकी रेफरेंस लिस्ट के साथ, आइदर ये जो रेफरेंस लिस्ट है वो वाकई उसी से रिलेटेड है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक ग्लोबलाइजेशन एंड देयर मिसइंटरप्रिटेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन की जो हमारी बात है वो हो रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं पर, तो वो चीज़ें वो देखता है। अगर वही ये चीज़ अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर और या ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केटिंग आ जाता तो वो चीज़ इरेलीवेंट हो जाती, या सिर्फ मार्केटिंग पे पूरा आपका रेफरेंस निकल आता तो वो चीज़ इरेलीवेंट होती, वो चीज़ फेक कहलाती है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपने नहीं रखनी। रेफरेंस मिलता है कोई भी, आपने लेना है गूगल स्कॉलर से और उसको रेफरेंस लिस्ट में डालना है, उसके बाद उसकी साइटेशन बना के उसको ख़त्म करना है। थैंक यू। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई पुराना रेफरेंस है अगर, तो उसको हमने रिमूव करना होता है। फॉर एग्जांपल, हम उसको डेलिबरेटली क्रिएट कर लेते हैं। लेट से ये रेफरेंस है 2014 का, हालांकि हमारे जो रेफरेंसेस होते हैं वो 2015 से ऑनवर्ड्स शुरू होते हैं, हम पुराने रेफरेंस नहीं लेते, तो उनको हमने चेंज करना होगा, उनको हमने डिलीट करना होगा,
और उनको रिप्लेस करना होगा न्यू रेफरेंसेस के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो पुराने रेफरेंस हम डिलीट करें। और दूसरा, हमें दोनों से मैच करना है, इंटेक्स साइटेशन को और रेफरेंस लिस्ट को। यहाँ पे अगर आप चाहें कंट्रोल एफ करेंगे, आपके को पता चल जाएगा कि ये रेफरेंस लिस्ट में है या नहीं, वो यहाँ से आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। कंट्रोल एफ करेंगे तो आपको ये इंडिकेट करके बताएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पर है। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो आप रिजल्ट्स को चेक करेंगे तो रिजल्ट्स में आपको मिल जाएगी कि भाई ये रेफरेंस आया रेफरेंस लिस्ट में है या नहीं। ऐसे ही यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि ये रेफरेंस ऊपर है या नहीं। अब ये रेफरेंस ऊपर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है साइटेशन नहीं है, वो साइटेशन होनी चाहिए। हमें मेक श्योर करना है कि भाई जो जो रेफरेंस हम यहाँ डाल रहे हैं वो वहाँ भी होना चाहिए। अब ये देखें, दो रिजल्ट तो आ रहे हैं लेकिन ये दोनों ऊपर नहीं है, उसी के ही आ रहे हैं, उसी के अंदर ही आ रहे हैं, सेम स्पेलिंग की वजह से। तो ये चीज़ें मेक श्योर करनी है कि रेफरेंस जो नीचे हैं रेफरेंस लिस्ट में वही ऊपर हो बॉडी में, या पैराग्राफ्स के अंदर कोई और ना हो। कोई और होता है तो हम उसको हमने डिलीट करना है। थैंक यू।